सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे कि कब जो है वो हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर और कब जो है वो हमारी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी जो है वो हमारी आएंगी। मैंने जो है वो लगभग 6 महीने पहले आप लोगों को यानी सितंबर और अगस्त में बता दिया था कि आपकी जो है वो फरवरी मार्च तक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट होगा। मैंने बार बार कहा था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होगा, यूपीएससी ने जो है वो डेट्स रिजर्व कर ली है इस एग्जाम के लिए और 150 वैकेंसी जो है वो आएंगी। और फाइनली एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, फाइनली जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो आपकी आ चुकी है। और ये जो है वो मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन है हमारा 51/2023, जिसमें आपकी टोटल एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात कर लूं तो इसमें जो है वो आपकी 418 वैकेंसीज, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 418 वैकेंसी जो है वो आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर की है और आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो है वो 159 वैकेंसीज है। ये आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो उस समय जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन अगर उस समय सुन लेते तो शायद आज जो है वो मेरे ख्याल से बहुत दूसरे स्टूडेंट से आगे होते, क्योंकि मैंने जो है वो लगातार इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई थी। अगर आप लोग जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, तो मैंने जो है वो साफ बता दिया था सितंबर या अगस्त में, मेरे ख्याल से उससे भी पहले बता दिया था कि आपका जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ 2023 में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। 147 वैकेंसीज या 150 वैकेंसीज आएंगी और फाइनली यूपीएससी ने बहुत अच्छी खबर दे दी है। तो जिस उस समय अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो आज आप मेरे ख्याल से बहुत आगे होते दूसरे बच्चों से, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे एग्जामों से, जहां पे आपको जो है बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़नी होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और बहुत जल्द जो है वो इसका नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा।